नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के कुछ कवियों का हमने परिचय प्राप्त किया था, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी जो हमारे पाठ्यक्रम में हमें दिए हुए हैं। उनमें से हमने कल हमने केशवदास और भूषण देव आदि के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आगे बढ़ते हुए, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, आज हम रीतिबद्ध के ही जो हमें कवि दिए हुए हैं, पद्माकर है और सेनापति है, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, रीतिकालीन काव्य हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें क्या दिया है हमें, रीतिकालीन काव्य। साथ ही हमें रीतिकाल के इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हमने रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया, रीतिकाल की तीन धाराएं जो हैं कवियों की उनके बारे में अध्ययन किया, तीन जो वर्ग हैं कवियों के, साथ ही उन वर्गों में शामिल कवि जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उनके बारे में हमारी यह अध्ययन चल रहा है। इसमें बढ़ते हुए अब आज हम अध्ययन करेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा के ही एक कवि हैं अपने, पद्माकर, जो जिन्हें हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। देखिए, पद्माकर जो हैं वह रीतिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और वे अपनी काव्य कला से सबका ध्यान आकर्षित करने में सफल भी रहे हैं। पद्माकर जो हैं वह अपनी काव्य रचना के लिए, अपने भाषा सौष्ठव के लिए, अपने अर्थ गौरव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ये रीतिबद्ध काव्यधारा में हैं और रीति परंपरा का पालन इन्होंने बड़े ही सम्यक रूप में किया है। इनकी रचनाओं के बारे में हम देखें तो इनकी रचनाएं हैं पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। अन्य भी रचनाएं हैं लेकिन महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो पद्माभरण है, जगत विनोद है, गंगा लहरी है। अब इनकी प्रसिद्धि किस बात में है, इनकी प्रसिद्धि है श्रृंगार, राज प्रशस्ति और भक्ति में इन्हें पूर्ण सफलता मिली है। किस किस मिली है, श्रृंगार, श्रृंगार का जो इनका वर्णन है बड़ा ही सूक्ष्म है, रीति परंपरा को का निर्वाह करने वाला है। साथ ही श्रृंगारिक वर्णन में इन्होंने बहुत ही अपने कवित्व को पूर्णता प्राप्त दिलाई है, पूर्णता प्राप्त की है। साथ ही राज प्रशस्ति में ये जिस राज्य के आश्रय में रहे थे उसके जीवन गौरव को, गौरव का गान करना, साथ ही उसके द्वारा लड़े हुए युद्धों का बखान करना, उसके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को और घटनाओं का वर्णन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य इनका माना जाता है। तो श्रृंगार में राज प्रशस्ति और भक्ति के क्षेत्र में देखें तो रीति काल में ज़्यादातर जो कवि थे वो राधा कृष्ण भक्ति को, राधा कृष्ण की भक्ति को ही ज़्यादा स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्रृंगारिक जो परंपरा है वह राधा कृष्ण भक्ति में आसानी से, बड़ी सरलता से उसमें वर्णित की जा सकती है। इसे रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने राधा कृष्ण से जुड़ी हुई जो प्रसंग हैं उनमें श्रृंगारिक भावनाओं का उसमें चित्रण किया है। तो यहाँ पर ये श्रृंगार में, राज प्रशस्ति में और भक्ति निरूपण की यहाँ बात आती है, तो हमारे पाठ्यक्रम में इनके द्वारा जो हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गंगा जो है हमारी सबसे पवित्र नदी मानी गई है, तो उस गंगा के प्रभाव को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से, महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने चित्रित किया है। हमारे पाठ्यक्रम में जब ये हम पढ़ते हैं तो उसमें किसका वर्णन है, गंगा के प्रादुर्भाव का, गंगा के प्रभाव का, कि किस प्रकार गंगा के संपर्क में, गंगा जी के संपर्क में आने से, उसमें स्नान करने से, उनके उद्भव होने से अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो आदमी हैं, पापी हैं, वो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सामान्य मनुष्य ही नहीं, देवगण भी उस गंगा जी को अत्यंत ही अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने जीवन का उद्धार करने वाली नदी उसको माना जाता है। इस प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में
ये अत्यंत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, राज प्रशस्ति और श्रृंगार भी इनका अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तो इन तीनों ही क्षेत्रों में इन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पद्माकर ने का जो काव्य है उसके अंतर्गत हमारे काव्य में क्या दिया हुआ है, गंगा जी के महत्व को बताया गया है, गंगा जी का प्रादुर्भाव है और उसके प्रभाव का यहाँ वर्णन किया गया है। ये हमें अपने पाठ्यक्रम में कविता के रूप में पढ़ना है। रीतिबद्ध काव्यधारा के दूसरे कवि हैं, अन्य कवि हैं सेनापति, जिन्हें हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सेनापति देखिए, सेनापति की जो प्रमाणिक रचना है वो प्राप्त होती है कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर इनकी रचना प्राप्त होती है। अन्य रचनाओं के बारे में संदेह है, इसलिए सबसे प्रमाणिक रचना इनकी मानी गई है कवित्त रत्नाकर। चर्चित क्यों है ये कवि, ये चर्चित हैं ऋतु वर्णन के लिए ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ऋतु वर्णन में जो इन्होंने अपनी कुशलता दिखाई है वो अन्य कोई कवि इतने ही कोई कुशलता नहीं दिखा सका है। जैसे वर्षा ऋतु का वर्णन हो, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हो, या फिर अन्य ऋतुओं की प्राकृतिक छटा को सौंदर्य रूप से प्रकट करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं सेनापति। तो रीति काल के ऋतु वर्णन के लिए, रीति काल में रीतिबद्ध काव्यधारा में ऋतु वर्णन के लिए सबसे चर्चित और प्रसिद्ध कवि रहे हैं सेनापति। हमारे पाठ्यक्रम में भी ऋतु वर्णन से जुड़े हुए कुछ इनके पद हमें पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें ये अपने प्रकृति की शोभा को, कि ऋतुओं की जो शोभा है प्रकृति में क्या अपना स्थान रखती है, उस वर्णन को, उस सौंदर्यमय वर्णन को बड़ी ही रोचकता के साथ, भाषा के गौरव के साथ, सरलता सरसता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा के क्षेत्र में हमने कल चर्चा की थी कि रीतिकाल की जो भाषा है वो क्या रही है, कौन सी भाषा रही है, ब्रज भाषा। प्रधान रही है कि भाई रीति काल की प्रधान भाषा कौन सी रही है, ब्रज। अब ब्रज भाषा इस समय की बड़ी प्रधान भाषा थी और सभी कवि अपने अपने ढंग से अपने अपनी प्रकृति के अनुसार ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हमें करते हुए दिखाई देते हैं। भाषा के क्षेत्र में देखें तो सेनापति हों, पद्माकर हों, दोनों ही कवि अत्यंत श्रेष्ठ ठहरते हैं। तो हमने रीतिकाल की काव्यधारा में हमने देखे हैं, तो रीतिकाल के इतिहास में देखें तो हमने रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का अध्ययन किया है। तीन कवि हमने कल पढ़े थे, जिनमें हमने केशवदास, भूषण और देव के बारे में अध्ययन किया था। आज हमने अध्ययन किया है पद्माकर और सेनापति के बारे में, इनसे जुड़ी हुई जो कविताएं हैं उनसे पहले हमें यदि प्रश्न आता है, पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न आता है कि भाई इनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो हमें इनकी रचनाओं के अध्ययन करते हुए ये किस लिए चर्चित हैं इनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो जैसे अब इनकी एक रचना प्राप्त होती है कवित्त रत्नाकर, तो हम इसी का नाम लिखेंगे। क्यों प्रसिद्ध रहे हैं, ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। पद्माकर की प्रसिद्धि किस लिए है, श्रृंगार राज प्रशस्ति और भक्ति में इन्हें पूर्णतः सफलता मिली है। इसलिए हर कवि जो है वह अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए होता है, उसकी कोई ना कोई महत्वपूर्ण विशेषता होती है। काव्य कृतियां होती हैं, रचनाएं होती हैं, उनके बारे में हमें सामान्य अध्ययन प्राप्त करना होगा। अब हम अगले वीडियो में अगली जो धारा है अपनी रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उन कवियों के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। देखिए रीति काल के तीन वर्ग थे अपने, रीतिबद्ध अपने हुए हैं, कल हम रीति सिद्ध का अध्ययन करेंगे रीति सिद्ध के कवियों का, और फिर हम रीति मुक्त के कवियों का अध्ययन, रीति मुक्त वर्ग के कवियों का अध्ययन करते हैं। देखिए छोटे छोटे जो प्रश्न बनेंगे हमारे, उन प्रश्नों को हम आप यहां से पॉज करके देख सकते हैं, और उसके साथ ही हमारा जो विस्तार चलेगा कविताओं का जो हम अध्ययन करेंगे, उससे पहले हमें कवियों के बारे में जानकारी होना अत्यंत ही आवश्यक होना चाहिए। कल हम रीतिसिद्ध कवियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।